everyone, assalamu alaikum and welcome back to my channel. So it's a new day, new video and another recipe. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ लौकी के कबाब। इस डिश को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ली हुई है दाल। मैंने एक कप दाल को 6 घंटे भिगो कर रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको नमक में उबाल लिया था। अब इसमें 1/2 किलो लौकी डाल देंगे, बड़े बड़े पीसेस में काट कर। दो हरी मिर्चें डालेंगे इसमें। 1/2 कप इसमें जाएगा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। पीस लेने के बाद अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस। इनको अच्छे से तोड़ तोड़ के डालना है ताकि मिक्स करने में आसानी हो। इसमें ब्रेड स्लाइसेस डालना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो मिक्सचर बनता है वो काफ़ी पतला होता है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, नमक इसमें जाएगा हसबे जायका, आखिर में इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे और ये ऑप्शनल है। अब इन तमाम चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते टाइम आप इसमें नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे एक एक करके कबाब बनाकर साइड में रखते जाएंगे। कबाब मैंने सारे तैयार कर लिए थे, इसमें से टोटल 12 कबाब बने थे। ये 6 मैंने यहाँ पर रखे हैं जिनको अभी हम फ्राई करेंगे और इनको अभी मैं थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख रही हूँ 20 से 30 मिनट तक, ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं। यहाँ पे मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि इसकी आँच मैंने कितनी लो रखी हुई है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि ये कबाब जो हैं वो थोड़े से नरम हैं तो टूट सकते हैं। इनको फ्रीज़र में रखना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर जो आप इनको नहीं रखेंगे तो फिर ये फ्राई करते वक्त आपके टूट जाएंगे। चार से पाँच मिनट बाद मैं अब इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये मैंने बहुत ही ध्यान से स्टेप किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं और आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है क्योंकि ये बहुत ही नाजुक से कबाब बनते हैं। चार से पाँच मिनट बाद ये दूसरी साइड भी हमारी पककर तैयार है, तो अब मैं इनको डिश आउट कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।